Hello everyone, welcome to my channel Physica Classes. I am Dr. Ritu Pal. If you like the video, please subscribe my channel and press the bell icon for future video notifications. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिट फर्स्ट का चैप्टर सेकंड, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स. मैंने इस चैप्टर को तीन पार्ट्स में डिवाइड करा है. फर्स्ट पार्ट इज सिस्टम ऑफ यूनिट्स. तो इसमें हम फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर रहे हैं. यूनिट्स जो होते हैं इसकी क्या ज़रूरत होती है. जब कोई भी चीज़ हम मेजर करते हैं तो मेजरमेंट के लिए यूनिट्स रिक्वायर्ड होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम डेली लाइफ में मेजरमेंट की बात करें, फर्स्ट इज़ मेजरमेंट ऑफ मास. अगर आप बाज़ार से कोई फ्रूट सब्जी लेने जाते हो तो वहाँ पे मास मेजर करते हो आप, केजी में उसको वेट को मेजर करके लेते हो. अगर आप दूध लेते हो, कोई लिक्विड चीज़ कोई बाय करते हो, तो वहाँ पे वॉल्यूम मेजरमेंट होता है. और वॉल्यूम जैसे वॉल्यूम के हिसाब से, जैसे 1 लीटर का प्राइस फिक्स होता है तो उस हिसाब से आप पे करते हो. सिमिलरली अगर आप टेलर के पास जाते हो तो वहाँ पे वो आपके कपड़े सिलने के लिए पहले वो आपकी लेंथ की मेजरमेंट करता है. तो वहाँ पे लेंथ जो है वो मीटर्स में या सेंटीमीटर में मेजर करी जाती है. अगर आपकी टेम्परेचर आपको हो गया है, फीवर हो गया है, तो आप डॉक्टर के पास जाते हो तो वहाँ पे डॉक्टर आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करता है थर्मोमीटर से. तो यहाँ पे थर्मोमीटर में फारेनहाइट में मेजरमेंट होती है. तो इस हिसाब से अगर और एग्जांपल ले लो, जो हम डेली आप अपने घर पे बिजली जो कंज्यूम करते हो तो उसकी मेजरमेंट यूनिट्स में होती है. और जितने यूनिट्स आप कंज्यूम करोगे उस हिसाब से आपको बिल पे करना पड़ता है. तो वहाँ पे भी जो आप कंजप्शन कर रहे हो उसकी मेजरमेंट हो रही है साथ ही साथ. तो ऐसे जो मेजरमेंट है ये हमारी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है. नाउ नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ नीड ऑफ मेजरमेंट इन फिज़िक्स. तो फिज़िक्स में मेजरमेंट की क्या ज़रूरत है. फिज़िक्स में किसी भी फिनोमेना को अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं. तो वहाँ पे हमें मेजरमेंट की ज़रूरत होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने एक सिंपल पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट करा होगा तो वहाँ पे आपने एक थ्रेड के साथ एक करी होती है. और यहाँ पे आपको अगर जी की वैल्यू निकालनी है, विच इज़ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, विच इज़ इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर. तो ये वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना होता है कि आपको इस सिंपल पेंडुलम को एक एक्सट्रीम पॉइंट पर ले जाके किसी एंगल पर इसको रिलीज करते हो और ये देन इट वाइब्रेट्स टू एंड फ्रो. तो और जो इसकी वाइब्रेशंस होती है उसका टाइम पीरियड हम नोट करते हैं, विच इज़ नोटेड एज कैपिटल टी. तो ये टाइम पीरियड की मेजरमेंट होगी. आपको इसमें जी की वैल्यू मेजर करने के लिए इस थ्रेड की लेंथ की रिक्वायरमेंट मेजर हो गया. ऐसे एल और टी मेजर करने के बाद ही आप जी की वैल्यू निकाल सकते हो. तो ऐसे फिजिक्स में जितने भी आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो, प्लस वन प्लस टू में या हायर क्लासेस में जाके करोगे, तो हरेक प्रैक्टिकल में लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ये सब की मेजरमेंट की ज़रूरत होती है. इसके अलावा कोई भी अगर लॉ या थ्योरी को आपने वेरीफाई करना है, फॉर एग्जांपल ओम्स लॉ आपने सुना होगा, ओम्स लॉ को अगर वेरीफाई करना है, विच इज़ वी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, वहाँ पे भी आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो और वहाँ पे आपको ये वी वोल्टेज है, वोल्टेज की मेजरमेंट लेनी होती है, करंट की मेजरमेंट लेनी होती है. तो यहाँ पे भी वी नीड मेजरमेंट्स. तो ऐसे फिजिक्स में जो मेजरमेंट है इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. नेक्स्ट आ जाते हैं फिजिकल क्वांटिटी पे. तो जो भी क्वांटिटी है जिसको आप मेजर कर रहे हो और उसको इसी नंबर से डिस्क्राइब कर रहे हो, दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी. फिजिकल क्वांटिटी के एग्जांपल हो गए जैसे मास. मास को हम मेजर कर सकते हैं कि आपका एक किसी पर्सन का या किसी चीज़ का कितना मास है, कितना वेट है, तो वो फिजिकल क्वांटिटी हो गया. लेंथ फिजिकल क्वांटिटी है, आप किसी चीज़ की लेंथ मेजर कर सकते हो मीटर में, सेंटीमीटर में. एरिया जो है ये भी फिजिकल क्वांटिटी है, आप किसी रूम का, किसी हॉल का एरिया मेजर करते हो इन मीटर स्क्वेयर और सेंटीमीटर स्क्वेयर, जो भी आपको यूनिट लेने हो. और टेम्परेचर जो है ये भी आपकी एक फिजिकल क्वांटिटी है. तो जो भी चीज़ आप मेजर करके उसको नंबर में लिख सकते हो, जैसे टेम्परेचर को मेजर करा, हमने बोल दिया कि टेम्परेचर इतना है 300 केल्विन, तो आपने टेम्परेचर को मेजर करके उसको एक नंबर में एक्सप्रेस कर दिया. सो टेम्परेचर इज़ कॉल्ड अ फिजिकल क्वांटिटी. तो ऐसे नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिसको आप मेजर कर सकते हो.
सो नेक्स्ट है यूनिट्स फॉर मेजरमेंट। मेजरमेंट के लिए आपको यूनिट की ज़रूरत होती है। तो कोई भी स्टैंडर्ड जो यूज़ होता है मेजरमेंट के लिए, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट के लिए स्टैंडर्ड यूज़ होता है, दैट इज़ कॉल्ड यूनिट। फॉर एग्जांपल अगर आप लेंथ की बात करो तो लेंथ के लिए हम मीटर यूज़ कर सकते हैं, फुट, इंच, सेंटीमीटर यूज़ होते हैं। मास की मेजरमेंट के लिए किलोग्राम या पाउंड यूज़ होता है। टाइम की मेजरमेंट के लिए सेकेंड या मिनट या आवर्स यूज़ होता है। ऐसे सिमिलरली टेम्परेचर की मेजरमेंट के लिए केल्विन, फारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस आप यूज़ करते हो। तो ये इन सबको आप बोलते हो यूनिट। और जो यूनिट होते हैं दे कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, वन इज फंडामेंटल यूनिट एंड सेकेंड इज डिराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट जो होते हैं ये आपके बेस यूनिट होते हैं, तो ये सबसे सिंपलेस्ट होते हैं। और जैसे मास, लेंथ, टाइम के लिए टाइम, ये तीनों फंडामेंटल यूनिट हैं। ऐसे टोटल हमारे पास 7 फंडामेंटल यूनिट हैं और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट हैं, तो टोटल 9 फंडामेंटल यूनिट हो गए। और यहाँ पे जो मास, लेंथ और टाइम है, अगर आप मैकेनिक्स की बात करते हो, मैकेनिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे आपको सिर्फ ये तीन मास, लेंथ और टाइम, ये तीन फंडामेंटल यूनिट रिक्वायर्ड होते हैं स्टडी के लिए। तो नेक्स्ट जो फंडामेंटल यूनिट के बाद जो है दीज आर डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड यूनिट होते हैं जो ये डिपेंड करते हैं आपके फंडामेंटल यूनिट के ऊपर। तो आपके फंडामेंटल यूनिट जो है उनकी कोई मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन या पावर जब लेते हो तो वो आपके जो यूनिट बनते हैं दे आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एरिया की बात करो, एरिया जो आपका होता है एरिया इज इक्वल टू लेंथ स्क्वेयर। सो लेंथ अगर आपने मीटर में मेजर करी है तो आपके एरिया के यूनिट हो गए मीटर स्क्वेयर। अब देखो यहाँ पे एरिया हो गया मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फंडामेंटल यूनिट्स, क्योंकि जो मीटर है वो फंडामेंटल यूनिट है लेंथ का, तो यहाँ पे हम उसकी मल्टीप्लिकेशन ले रहे हैं। तो या ये एरिया जो हो गया ये आपका डिराइव्ड यूनिट हो गया, क्योंकि ये फंडामेंटल यूनिट को मल्टीप्लाई करके आपने ऑब्टेन करा है। सिमिलरली जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम इज इक्वल टू आप लेते हो लेंथ क्यूब। अगर लेंथ मीटर में है तो वॉल्यूम आपका मीटर क्यूब हो गया। सो इट मीन्स कि यहाँ पे आप अगेन मीटर को मल्टीप्लाई कर रहे हो तीन बार, तो यहाँ पे भी ये वॉल्यूम जो है आपका ये डिराइव्ड यूनिट हो गया, क्योंकि ये आपने फंडामेंटल यूनिट से डिराइव करा है जिसमें ये मीटर जो है दिस इज़ फंडामेंटल यूनिट। सिमिलरली अगर स्पीड की बात करो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस जो होता है वो होती है लेंथ, सो लेंथ अपॉन टाइम हो गया, और लेंथ आपकी मेजर होती है मीटर्स में, सो इसलिए वेलोसिटी के यूनिट होते हैं मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे क्या हो गया, मीटर जो है दिस इज फंडामेंटल यूनिट फॉर लेंथ एंड सेकेंड है फंडामेंटल यूनिट फॉर टाइम। तो यहाँ पे आपका स्पीड का या ये वेलोसिटी का जो आपका यूनिट आ गया मीटर पर सेकेंड, दिस इज अगेन अ डिराइव्ड यूनिट बिकॉज यू हैव ऑब्टेंड दिस यूनिट बाय डिवीजन ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। नेक्स्ट है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट्स। सो यूनिट शुड बी वेल डिफाइंड। यूनिट का साइज जो है सुटेबल होना चाहिए, इट शुड नॉट बी टू लार्ज और नॉट टू टू स्मॉल। तो उसका एक सुटेबल साइज होना चाहिए। जैसे आपने अगर किसी पर्सन की हाइट देखनी है तो आप कौन से यूनिट यूज़ करते हो, हम सेंटीमीटर में हाइट लेते हैं, ठीक है, क्योंकि सेंटीमीटर इसके लिए सुटेबल है। आप हाइट को किलोमीटर में मेजर नहीं कर सकते, किलोमीटर जो है हाइट के हिसाब से बहुत ज़्यादा लार्ज यूनिट हो गया। तो यूनिट का जो साइज़ है जब आप किसी चीज़ को मेजर कर रहे हो किसी यूनिट्स के साथ, तो उसका साइज़ जो है इट शुड बी सुटेबल। यूनिट्स शुड बी इजीली एक्सेसिबल टू एवरीवन। यूनिट्स शुड बी रिप्रोड्यूसिबल। रिप्रोड्यूसिबल मींस कि अगर आप मीटर लिख रहे हो किसी चीज़ की लेंथ जो 10 मीटर है, तो हम उसको 10 मीटर या फिर आप उसको 1000 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो, मींस सेंटीमीटर में आप उसको रिप्रोड्यूस कर सकते हो। या फिर आप उसको किलोमीटर में लिखोगे तो आप 0.01 किलोमीटर लिखोगे। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो मीटर है इट इज़ रिप्रोड्यूसिबल। जो यूनिट्स हैं इनवेरिएबल होने चाहिए। इनवेरिएबल मींस कि यूनिट जो है उसका जो स्टैंडर्ड वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होता टाइम या स्पेस के साथ। आप किसी भी टाइम पे देख लो, अगर 1 सेंटीमीटर आपका इतना लेंथ को आपने 1 सेंटीमीटर बोला है, तो ये इतनी ही लेंथ 1 सेंटीमीटर रहेगी। चाहे आप टाइम के साथ देख लो, टाइम चेंज हो जाएगा तो भी ये चेंज नहीं होगा। चाहे आप प्लेस चेंज कर लो कि आप ये किसी एक जगह पे बैठे हो या फिर दूसरी किसी जगह पे चले जाओ, तो वहाँ पे भी
वो जो लेंथ है 1 सेंटीमीटर, वो जो स्टैंडर्ड लेंथ है वो उतनी ही रहेगी। इट विल नॉट चेंज विद चेंज इन टाइम और विद चेंज इन प्लेस। नेक्स्ट इज इनडिस्ट्रक्टिबल, जो आपके यूनिट्स हैं वो इनडिस्ट्रक्टिबल होते हैं। यूनिट्स के ऊपर किसी भी एनवायरनमेंट कंडीशन का, टेम्परेचर का, प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं होता, तो उनको आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। जो उसकी वैल्यू है वही रहेगी इरिस्पेक्टिव ऑफ ऑल द एनवायरनमेंट कंडीशंस। एंड लास्ट जो है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिट्स शुड बी इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल। अगर जो यूनिट आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हो, दूसरी कंट्री में भी कोई सेम यूनिट यूज़ करते हैं, तो ट्रेड जो है, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, वो ईजी हो जाता है। नेक्स्ट है कि हम यूनिट्स को कितने सिस्टम में डिवाइड कर सकते हैं। तो यूनिट्स के लिए हम 3 सिस्टम्स मेनली डिवाइड करते हैं, और चौथा जो है वो इम्पोर्टेंट है, वो इसके बाद डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट इज CGS सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये जो सिस्टम ऑफ यूनिट है, इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन फ्रांस एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज गॉशियन सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये इम्पोर्टेंट है, और ये यहाँ पे जो C है, C रिप्रेजेंट्स सेंटीमीटर, विच इज़ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लेंथ, और G जो है ये ग्राम रिप्रेजेंट करता है, मास का यूनिट है, S जो है वो टाइम का यूनिट है। सेकेंड, MKS सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो यहाँ पे जो ये वाला सिस्टम ऑफ यूनिट है, इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन फ्रांस, इसको फ्रेंच सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी बोलते हैं। यहाँ पे जो M है, M रिप्रेजेंट्स मीटर, जो आपका यूनिट है लेंथ का, K रिप्रेजेंट किलोग्राम, विच इज़ फंडामेंटल यूनिट फॉर मास, एंड एस इज फंडामेंटल यूनिट फॉर टाइम, विच इज सेकेंड। एंड थर्ड इज FPS सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये जो सिस्टम ऑफ यूनिट है दिस इज इंट्रोड्यूस्ड इन ब्रिटेन और वहाँ पे पॉपुलर है, इसको ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी बोलते हैं। यहाँ पे F मीन्स फुट, विच इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लेंथ, P पाउंड, फंडामेंटल यूनिट ऑफ मास, एंड S इज टाइम, विच इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ S इज सेकेंड, विच इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ टाइम। और जो इम्पॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, दैट इज़ SI, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। 1971 में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था वेट्स एंड मेजर्स के ऊपर, एक उसमें ये डिसाइड करा गया कि इंटरनेशनल जो ट्रेड है उसके लिए एक सिस्टम ऑफ यूनिट होना चाहिए, और उसको नाम दिया गया SI। तो ये SI जो सिस्टम ऑफ यूनिट है, इट कंसिस्ट ऑफ 7 फंडामेंटल यूनिट्स एंड 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ये हम आगे डिस्कस करेंगे ये कौन से हैं। ये हैं 7 फंडामेंटल यूनिट्स, जिसमें है लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और जो इसके SI यूनिट जो है, लेंथ के लिए मीटर है, विच इज रिटन एज स्मॉल m, मास के लिए किलोग्राम है, स्मॉल kg, टाइम सेकेंड है, स्मॉल s, टेम्परेचर के लिए केल्विन है, कैपिटल k आएगा, इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर है, कैपिटल A, इंटेंसिटी के लिए कैंडेला है, स्मॉल cd, एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज मेजर्ड इन मोल, MOL। अब यहाँ पे हम ये 3 जो है, मीटर, किलोग्राम और सेकंड की डेफिनेशन कर लेते हैं। मीटर जो है, इट इज़ लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम ड्यूरिंग टाइम इंटरवल ऑफ 1/3×10^8 बनेगा ये। तो इतने सेकंड का जो ये वाला फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन में जितना लाइट डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, दैट इज़ कॉल्ड 1 मीटर। ये हम ऐसे देख सकते हैं कि हमें पता है कि लाइट की जो वेलोसिटी होती है, दैट इज़ 3×10^8 मीटर पर सेकेंड। मीन्स इतना जो डिस्टेंस है लाइट, इतने मीटर डिस्टेंस कवर करती है 1 सेकेंड के अंदर। तो 1 सेकेंड में वैक्यूम के अंदर लाइट 3×10^8 मीटर डिस्टेंस कवर करती है। तो 1 मीटर डिस्टेंस अगर उसने कवर करना है लाइट ने, तो कितना टाइम लेगी, 1/3×10^8, विच इज़ डेफिनेशन ऑफ मीटर। तो इतने सेकेंड के इस फ्रैक्शन के अंदर जो लाइट पाथ ट्रेवल करेगी, दैट इज इक्वल टू 1 मीटर। नेक्स्ट इज किलोग्राम। किलोग्राम जो है, ये मास है आपका, एक प्रोटोटाइप सिलेंडर है, प्लेटिनम इरिडियम अलॉय, एंड इट इज प्रिजर्व्ड एट इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स एट सेब्रस नियर पेरिस। वहाँ पे ये एक सिलेंडर जो है, या नेक्स्ट इस पिक्चर में जो शो करा गया है, ये प्रोटोटाइप सिलेंडर है, ये प्लेटिनम इरिडियम अलॉय का बना हुआ है। इसका जो मास है, दैट इज कंसिडर्ड एज 1 किलोग्राम। और जो सेकंड है, सेकंड आपका, इट इज़ अ टाइम टेकन फॉर दिस मच ऑसिलेशंस और दिस मच रेडिएशन जो है, सीजियम 133 एटम की, इतनी ट्रांजिशन जब होंगी, 9
बिलियन 19 करोड़ 26 लाख 31,770। इतनी ट्रांजिशंस के लिए जितना टाइम लगेगा सीजियम 133 एटम को, तो इसको बोलते हैं 1 सेकेंड। और दो अपने सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं, ये हैं रेडियन एंड स्टी रेडियन। रेडियन जो है इट इज़ यूज्ड टू मेजर द प्लेन एंगल, यहाँ पे ये सर्कल है, ये जो थीटा है इट इज़ इक्वल टू 1 रेडियन, क्योंकि आपको पता है कि जो थीटा है दिस इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। व्हेन आर्क एंड रेडियस ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, दोनों के वैल्यू सेम है आर ओवर आर, तो ये 1 आ जाएगा, तो ये इसको बोलेंगे 1 रेडियन। अगर आपका आप यहाँ से शुरू करके पूरा सर्कल कवर करके यहाँ पे वापस आ जाते हो, तो यहाँ पे आपका जो आर्क अगर आप देखोगे कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा है, वो आपका हो गया 2πr और रेडियस है r, तो यहाँ पे आपका जो थीटा है, थीटा आपका बन गया 2π, r से r कैंसिल हो गया, 2π रेडियन बन गया। तो यहाँ पे आपका थीटा हो गया 2π रेडियन, और यहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हो थीटा 2π रेडियन। थीटा कितना होगा देखो, तो अगर ए से शुरू होकर वापस ए पे आते हो तो थीटा कितना होगा, टोटल 360 डिग्री होगा, इसकी वैल्यू 360 अब सब्स्टिट्यूट करोगे, सो 360 इक्वल टू 2π हो गया। सो 2π रेडियन इक्वल टू 360 मीन्स पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, इसलिए हम पाई को 180 डिग्री, पाई रेडियन को 180 डिग्री के इक्वलेंट मानते हैं, ठीक है, पाई को 180 डिग्री के इक्वलेंट आप लेते हो, और 1 रेडियन इक्वल टू पाई ओवर 180 ऐसे हम बोलते हैं। स्टी रेडियन जो है इट इज़ यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल मीन्स यहाँ पे आपने सर्कल लिया था 2 डिमेंशनल में, अगर 3 डिमेंशनल में हम स्फीयर कंसिडर करते हैं, तो स्फीयर के अंदर अगर आपने एक कोन लेना है, तो कोन का जो ये एंगल बनेगा, ये वाला एंगल होगा, दिस इज एंगल इज मेजर्ड इन स्टी रेडियन, और इस एंगल का जो वैल्यू होगा दैट इज इक्वल टू एरिया, इसको आप ओमेगा से लिखते हो, डी ओमेगा, सॉलिड एंगल डी ओमेगा, ओमेगा जो आपका है ग्रीक लेटर होता है, डी ओमेगा इज इक्वल टू जो एरिया है ओवर रेडियस जितना है स्फीयर का उसका स्क्वायर। तो यहाँ पे इस वैल्यू को आप बोलते हो 1 स्टी रेडियन। सो ये आपका सप्लीमेंट्री यूनिट डिस्कस हो गया। हाँ जी, नेक्स्ट इज रूल्स फॉर राइटिंग द SI यूनिट्स। SI यूनिट्स को लिखने के लिए कुछ रूल बनाए गए हैं, हम रूल 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। फर्स्ट रूल इज़ कि अगर आपने कोई ऐसा लेटर लिखना है, ऐसा यूनिट लिखना है जिसका नाम विच इज़ नेम्ड आफ्टर द नेम ऑफ अ पर्सन, तो वहाँ पे आपने अगर फुल में लिखना है तो पहला जो उसका लेटर है वो स्मॉल होगा, अगर उसको आपने सिर्फ एक वर्ड में लिखना है तो वहाँ पे वो लेटर जो होगा एक लेटर हो वो कैपिटल होगा, बट अगर आपने फुल लिखना है तो वहाँ पे वो पहला जो लेटर है वो स्मॉल डालना है, जैसे न्यूटन के लिए स्मॉल n आएगा, एम्पियर के लिए स्मॉल a आएगा, बट अगर आपने सिंगल एक लेटर लिखना है तो न्यूटन के लिए कैपिटल n और एम्पियर के लिए कैपिटल a, और ऐसे आपको ये लिखना होगा। नेक्स्ट है कि जो अपने सिंबल्स हैं दे आर ऑलवेज रिटन इन स्मॉल लेटर्स, जो नेम आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट है उनको छोड़ के बाकी जितने यूनिट हैं वो सारे यूनिट आपको स्मॉल में लिखने, जैसे मीटर हो गया स्मॉल m, स्मॉल s, किलोग्राम के लिए स्मॉल kg, तो ये सारे स्मॉल में आएंगे उनको छोड़ के, सिर्फ नेम वाले यूनिट को छोड़ के। तो जब आपने 2 यूनिट लिखने हैं और एक डिजिट है और एक यूनिट है, तो वहाँ पे बीच में एक स्पेस होना चाहिए, तो जैसे यहाँ पे 10 और kg के बीच में स्पेस होना ज़रूरी है। जो यूनिट होते हैं दे आर ऑलवेज हैव द सिंगुलर फॉर्म, जैसे 6 मीटर लिखोगे 6 मीटर्स नहीं आएगा, सिमिलरली ये गलती होगी, यहाँ पे किलोग्राम 14 किलोग्राम आएगा, केजीज नहीं आएगा, और 20 सेकेंड आएगा, सेकेंड नहीं आएगा जब आप आंसर कहीं लिखोगे, ठीक है। तो ये जो यूनिट हैं दे डोंट हैव प्लूरल फॉर्म, मीन्स दे हैव सिंगुलर फॉर्म, तो ये होगा, ये वाली चीज़ नहीं होगी। सिमिलरली फुल स्टॉप जो है वो आप जब आंसर लिखते हो तो यूनिट में लास्ट में फुल स्टॉप होता है, वो फुल स्टॉप आपने आंसर में जाके लास्ट में नहीं लगाना, कहीं भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो जब आंसर लिखते हो तो एंड में फुल स्टॉप नहीं लगाना। और जो लास्ट इसका रूल है दैट इज़ कि जब आपने 2 यूनिट इकट्ठे लिखने हैं तो वहाँ पे बीच में स्पेस नहीं डालना, जैसे जॉल साइकिल लिखना है तो ये स्पेस नहीं आएगा, न्यूटन मीटर लिखोगे तो यहाँ पे एन और एम के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए, ये ऐसे लिखा जाएगा जैसे ये इस साइड लिखा है,
नेक्स्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीफिक्सेस। ये 10 की पावर्स जो आपने लिखनी होती है, इनको कुछ नाम दिए और सिंबल दिए गए हैं, ये आपने याद करनी है। अगर 10 की पावर्स पॉजिटिव में है, जैसे पावर 1, 2, 3, 9, 12, तो ये जैसे पावर 1 को डेका, पावर 2 हेक्टो, स्मॉल एच से लिखना है, पावर 3 किलो, जिसको स्मॉल के से लिखते हैं, पावर 6 इज मेगा, स्मॉल कैपिटल एम से लिखेंगे, पावर 9 इज गीगा, कैपिटल जी से लिखेंगे, पावर 12 इज टेरा, कैपिटल टी, पावर 15 इज पेटा, कैपिटल पी, पावर 18 इज एक्सा, कैपिटल ई। ये इतने इम्पोर्ट, इतने जो मैंने लिखे ये नीचे वाले ये इंपॉर्टेंट हैं। सिमिलरली अगर नेगेटिव पावर्स आ गए आ जाएँ, -1 डेसी, -2 सेंटी स्मॉल सी, -3 मिली स्मॉल एम, -6 इज माइक्रो, ये म्यू है, दिस इज अ ग्रीक लेटर म्यू, -9 नैनो स्मॉल एन, -12 पिको स्मॉल पी, -15 फेमटो स्मॉल एफ, -18 एटो स्मॉल ए। तो ये आपको प्रीफिक्सेस जो हैं ये याद करने हैं, ये आगे जाके जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, जो नेक्स्ट आपने आगे जाके फिजिक्स पढ़नी है वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा यूज़ इनका होगा। जैसे अगर आप लिखते हो 3 मिली एम्पियर, तो आपने 3 × 10⁻³ जो है इसको आप मिली लिख सकते हो। अगर आपका आंसर 5 माइक्रोवोल्ट है, 10⁻⁶ है, तो इसको आप माइक्रो म्यू से भी लिख सकते हो। और अगर आपका आंसर जो जैसे नैनो सेकेंड है, तो नैनो -9 जो है इसको आप स्मॉल एन लिख सकते हो। सिमिलरली पीको जो है -12 इसको पी लिख सकते हो। तो ऐसे आप ये वाली चीज़ें जो है जो आगे जाके आपने पढ़नी है, वहाँ पे आप ये टेंस पावर्स वहाँ पे देखोगे। जैसे पावर 6 आ जाए तो उसको हम बोलते हैं मेगा, तो ये मेगा वॉट हो जाएगा। अब हम कुछ प्रैक्टिकल यूनिट डिस्कस कर लेते हैं लेंथ, मास और टाइम की। लेंथ के लिए जो स्मॉलेस्ट यूनिट्स हैं उसमें जैसे माइक्रोन है, विच इज़ जो बैक्टीरिया का साइज है वो माइक्रोन्स में मेजर होता है। मॉलिक्यूल्स का साइज नैनोज में होता है, नैनोमीटर। जो न्यूक्लियस आपका एटम है, एटम का साइज होता है 1 एंगस्ट्रॉम, और एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है वो उससे भी छोटा है, विच इज इक्वल टू 1 फर्मी, 10⁻¹⁵। ये न्यूक्लियस हो गया, ये वाला जो पार्ट है अंदर वाला। और लेंथ की जो लार्ज मैक्सिमम लेंथ है उसको डिफाइन करने के लिए यूनिट है, जैसे 1 यूनिट इज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इट इज़ डिफाइंड एज मेन डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन, सन और अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस है, दैट इज कॉल्ड 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, विच इज इक्वल टू 1.5 × 10⁻¹⁰ meters। दूसरी जो लार्ज लेंथ की यूनिट है, दैट इज लाइट ईयर। लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। तो एक साल में लाइट ने वैक्यूम में जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल करा है वो 1 लाइट ईयर के इक्वल आएगा। तो ये आप कैसे निकाल सकते हो, आपको पता है कि जो लाइट है एक साल में कितना डिस्टेंस, अगर टाइम निकालना है कि कितना टाइम हो गया एक साल के अंदर, तो 365 डेज एक साल में होते हैं और एक दिन में 24 आवर्स होते हैं। सिमिलरली एक आवर में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकेंड, तो ये इतने सेकेंड टाइम आ गया। ये आपका जो ये टाइम लिखा है, इतने सेकेंड टाइम आ गया, ठीक है। और लाइट की जब आपको पता है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है, तो आपने यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है। ये हमने बोला है कि इट इज़ अ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट, तो लाइट की वेलोसिटी आपको पता है 3 × 10⁻⁸, और इंटू टी हो जाएगा, तो आपका डिस्टेंस आ जाएगा। तो ये आपका डिस्टेंस जब निकालोगे, दिस इज इक्वल टू 1 लाइट ईयर। टी की वैल्यू आपने यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देनी है, एक साल का जितना टाइम बनेगा सेकंड्स में, और ये आपका लाइट की वेलोसिटी होगी। तो दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आपका आंसर आएगा, दैट इज़ 1 लाइट ईयर, विच इज़ इक्वल टू 9.5 × 10⁻¹⁵ meters। तो जैसे एस्ट्रोनॉमी में आप जो डिस्टेंस ऑफ स्टार्स निकालना है वो लाइट ईयर में मेजर करा जाता है। जो नेक्स्ट लार्जेस्ट यूनिट है लेंथ मेजर करने के लिए, दैट इज पार्सेक। पार्सेक इज डिफाइंड एज डिस्टेंस एट विच आर्क ऑफ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 1 सेकेंड। तो अगर आपकी आर्क जो है उसकी लेंथ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है और वो एंगल बना रही है 1 सेकेंड, तो ये जो रेडियस होगा, अगर आप इसको सर्कल मान लें, तो ये रेडियस जो होगा, दैट इज इक्वल टू 1 पार्सेक। ये आपको पता है कि जो आपका थीटा होता है, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो यहाँ हम बोल रहे हैं कि जो आर्क है उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और
जो आपका रेडियस है वो आपका होगा 1 पार्सेक, और थीटा जो आपका है दैट इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड एंगल बनाने के लिए ये जो आर कैप की 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये जितने डिस्टेंस पे जाके ये 1 सेकेंड एंगल बनेगा, दैट रेडियस ऑफ दैट सर्कल इज कॉल्ड 1 पार्सेक। तो 1 पार्सेक अगर आप निकालोगे, दिस इज इक्वल टू 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ओवर 1 सेकेंड। अब 1 सेकेंड को आपने रेडियन में निकालना है, कितनी वैल्यू बनेगी। आपको पता है कि 1 डिग्री जो है दैट इज इक्वल टू 60 मिनट, एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। तो पहले हम 1 सेकेंड को डिग्री में निकालेंगे, फिर रेडियन में निकालेंगे। तो 1 सेकेंड की वैल्यू आ गई 1/60 डिग्री। यहाँ से आप इसको 1/60, 1 सेकेंड, यहाँ पर डबल डैश आएगा, इक्वल टू 1/60 मिनट। और मिनट को फिर से डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मिनट की वैल्यू 1/60 डिग्री आएगी। तो एक बार फिर से 1/60 आ जाएगा, तो 1/60 × 1/60 जो आपका है ये 1 सेकेंड बन जाएगा, ये डिग्री में आएगा। और आपको ये पता है कि जो 1 डिग्री सॉरी पाई रेडियन होता है, विच इज इक्वल पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं 1 डिग्री की वैल्यू, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई ओवर 180 रेडियन। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे 1 डिग्री की, क्योंकि ये सारा डिग्री में, इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए इसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई करके 1 सेकेंड की वैल्यू आ जाएगी। तो ये वाली जो वैल्यू है 1 सेकेंड की, ये वैल्यू आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे, एस्ट्रोनॉमिकल वैल्यू यूनिट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, और सॉल्व करके जो वैल्यू आएगी दैट इज़ 1 पार्सेक, विच इज़ इक्वल टू 3.1 × 10⁻¹⁰ मीटर। तो ऐसे आप ये 1 पार्सेक की वैल्यू निकाल सकते हो। नेक्स्ट जो एरिया मेजर करने के लिए कुछ प्रैक्टिकल यूनिट है, 1 इज़ एकड़, विच इज़ पॉपुलर इन ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट्स। हेक्टेयर जो है ये आपका फ्रेंच सिस्टम ऑफ यूनिट्स में मेजर करने के लिए, एरिया मेजर करने के लिए यूज़ होता है। बान जो है ये स्मॉल एरियाज जो होते हैं, न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन होते हैं, उनको मेजर करने के लिए यूज़ होती है यूनिट। मास को मेजर करने के लिए कुछ प्रैक्टिकल यूनिट हैं, जैसे स्टील या लोहे की जो बार्स होती हैं उनको मीट्रिक टन में मेजर करते हैं। ग्रेन्स को क्विंटल्स में मेजर करते हैं, 1 क्विंटल = 100 किलोग्राम। जो न्यू बॉर्न बेबीज हैं उनके वेट को पाउंड में मेजर करते हैं, 1 pound = 0.454 किलोग्राम। क्रॉप्स को स्लग में मेजर करते हैं, 1 slug = 14.59 किलोग्राम। और मास को मेजर करने के लिए जो सबसे ज़्यादा बड़ी लार्जेस्ट लिमिट जो है दैट इज़ चंद्रशेखर लिमिट जो है, इट इज़ इक्वल 1.4 × मास ऑफ सन, ये इसकी वैल्यू है। इट इज़ द बिगेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट फॉर मास मेजरमेंट। दिस वॉज गिवन बाय इंडियन बॉर्न साइंटिस्ट जिसका नाम था चंद्रशेखर, उसने ये लिमिट को ये वाला वैल्यू दिया था, चंद्रशेखर लिमिट। इसके बिना जो स्मॉलेस्ट मास हैं उनको मेजर करने के लिए यूनिट यूज होते हैं, दैट इज एटॉमिक मास यूनिट, विच इज इक्वल टू मास ऑफ 1/12 ऑफ मास ऑफ सिंगल कार्बन एटम। इसको 1 AMU से लिखते हैं, ये आपको आगे जाके यूज़ करना है आपने एटॉमिक मास यूनिट। जब आप किसी भी न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के मास की बात करोगे तो वहाँ पे उनका जो मास है दैट इज रिटन एज इन एटॉमिक मास यूनिट्स 1 AMU। तो ये स्मॉलेस्ट यूनिट है मास मेजरमेंट का, जैसे चंद्रशेखर लिमिट जो है दैट इज लार्जेस्ट यूनिट फॉर मेजरिंग मास, एंड AMU इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेजरिंग मास। लास्ट जो है दैट इज मेजरमेंट ऑफ टाइम। टाइम मेजरमेंट के लिए प्रैक्टिकल यूनिट है, जैसे 1 solar day विच इज इक्वल टू 1 day, 24 hours का दिन होता है। 1 solar year विच इज इक्वल टू 365.25 solar days। तो यहाँ पे 0.25 जो है ये आपका जनरली 1 year हम 365 days लेते हैं, और 4th year में जाके ये 0.25 ऐड होकर 1 हो जाता है। तो 4th year जो होता है लीप ईयर होता है, इसमें 366 days होते हैं। 1 lunar month जो है जो मून को अर्थ के अराउंड जो एक सर्कल कंप्लीट करने में टाइम लगता है, विच इज इक्वल टू 27.3 solar days।
तो इसको बोलते हैं वन लूनर मंथ। सिमिलरली वन शेक जो है ये स्मॉलेस्ट यूनिट है टाइम मेजरमेंट के लिए, विच इज इक्वल टू 10^-8 सेकेंड। सो थैंक यू, ये हमारा पार्ट कवर हो गया यूनिट वन का, सेकेंड चैप्टर का फर्स्ट पार्ट। जो सेकेंड पार्ट है डिमेंशनल एनालिसिस, दैट वी विल कवर इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।